वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है क्लास सिक्स का ज्योग्राफी एंड द फर्स्ट चैप्टर इज द अर्थ इन अ सोलर सिस्टम। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट टॉपिक इज फुल मून नाइट और पूर्णिमा। फुल मून नाइट और पूर्णिमा ऑकर्स व्हेन अर्थ इज लोकेटेड बिटवीन द सन एंड द मून। अर्थ सन एंड मून के बीच में जब आ जाता है, उस टाइम में सन का लाइट मून पे कुछ इस तरह से पड़ता है कि मून एक सर्कल में दिखता है। अर्थ से हम मून को एक सर्कल में देखते हैं। यह प्रक्रिया मंथ में एक बार होता है। इसका नाम पूर्णिमा इसलिए दिया गया है क्योंकि ये पूर्ण रूप से दिखता है। मून जो है अर्थ से पूर्ण रूप से दिखता है, एक सर्कल में, कंप्लीट सर्कल में दिखता है। इस फोटो में हम देख सकते हैं सन का रेज जो है कुछ इस तरह से मून पे जा रहा है, जिसकी वजह से हम यहाँ से अर्थ से मून को एक सर्कल में देख पा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यू मून नाइट और अमावस्या। यह ल्यूनर एक्टिविटी और ल्यूनर फेस तब हम देखते हैं जब मून, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है। इस टाइम सन का रेज जो है मून पर तो कम्प्लीटली पड़ता है, लेकिन अर्थ से हम मून का वो पार्ट नहीं देख पाते हैं जो सन मून पे पड़ता है। इस फोटो से हम लोग क्लियर देख सकते हैं सन का रेज जो है मून के इस पार्ट पे जा रहा है प्रॉपरली, बट हम अर्थ से यहाँ से अंधेरा वाला पार्ट देख पा रहे हैं। अर्थ से हम मून का डार्कर वाला पार्ट देख पा रहे हैं। इस ल्यूनर फेस को फुल मून नाइट और अमावस्या कहा जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज, हाँ यहाँ पे कुछ ल्यूनर फेस ऐसे हैं जिसको आप देख सकते हैं एक बार, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट ये न्यू मून और फुल मून ही है। बाकी सारे इस ल्यूनर फेसेस का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेलेसियल बॉडीज। स्पेस में जितने सारे बॉडीज पाए जाते हैं, चाहे वो प्लैनेट हो, सन हो, स्टार्स हो, मेटेरॉइड्स हो, एस्टेरॉइड्स हो, एवरी बॉडीज आर कॉल्ड सेलेसियल बॉडीज। सम सेलेसियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे हैव देयर ओन लाइट एंड हीट। जिस सेलेसियल बॉडीज के पास अपना लाइट और हीट होता है उसको हम स्टार कहते हैं, लाइक सन, सन इज अ स्टार। कुछ सेलेसियल बॉडीज ऐसे हैं जो गैसेस से बने होते हैं, और वैसे सेलेसियल बॉडीज जिनका अपना कोई हीट और लाइट नहीं होता है उसको प्लैनेट्स कहते हैं, जैसे अर्थ। अर्थ का कोई अपना हीट या लाइट नहीं है, हम लाइटेड होते हैं। अर्थ पर रहने वाले लोग लाइटेड होते हैं सन के रेज से, या जो भी हम हीट ऑब्जर्व करते हैं वो सन के रेज से करते हैं। अर्थ का कोई अपना लाइट या हीट नहीं है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्स्टिलेशंस। सो व्हाट इज कॉन्स्टिलेशंस? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट मेक्स अ पैटर्न और अ शेप इन स्काई। और ऐसे शेप और ग्रुप ऑफ स्टार्स का नाम भी दिया हुआ है जिसको हम कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं, लाइक उर्सा मेजर और बिग बियर एंड सप्तऋषि, वन ऑफ सच कॉन्स्टिलेशंस। सप्तऋषि जो है वो ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स है, सेवन स्टार का एक ग्रुप है जिसका नाम सप्तऋषि है। कुछ स्टार्स ऐसे भी होते हैं स्पेस में जो हमें छोटे छोटे दिखते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े होते हैं साइज में। एक्चुअली वो हमसे इतने दूर होते हैं कि हम उनको छोटे साइज में देख पाते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द सन। यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं, व्हाट इज सोलर सिस्टम। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज सोलर सिस्टम, तो आप सिंपल से जवाब दीजिए, सन एंड एट प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेसियल बॉडीज लाइक एस्टेरॉयड्स एंड मेटेरॉयड्स, दे ऑल आर कॉल्ड सोलर सिस्टम। दे ऑल आर पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम एक्चुअली। दे ऑल्सो कॉल्ड सोलर फैमिली, क्योंकि सन जो है सेंटर में होता है और इसको हम हेड ऑफ सोलर फैमिली भी कह सकते हैं। और सन के चारों तरफ प्लैनेट्स, एस्टेरॉयड, मेटेरॉयड्स एंड अदर जो बॉडीज होते हैं वो घूमते रहते हैं। सन जो है सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम होता है। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस,
सन जो है हॉट गैसेस से बना हुआ है और ये काफ़ी बड़ा है साइज में, बट ये हमसे दूर है इसीलिए हम इसको इसका जो हीट है बहुत ज़्यादा महसूस नहीं करते हैं, सर्वाइवल होता है हमारे लिए। सन के पास पुलिंग फोर्स होता है जिसके वजह से सारे हेवेनली बॉडीज जो होते हैं स्पेस में, चाहे वो प्लैनेट्स हो, एस्टेरॉयड हो, मेटेरॉयड्स हो, ये सभी जो है उसके तरफ खींचे जाते हैं और चारों तरफ उसके घूमते हैं, सन के चारों तरफ घूमते हैं बिकॉज ऑफ सन्स पुलिंग फोर्स। सन जो है हमसे 150 मिलियन किलोमीटर अवे है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लैनेट्स। जैसे कि हम जानते हैं वैसे हेवेनली बॉडीज जो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है, जिसका अपना कोई हीट या लाइट नहीं है, उसको कहते हैं प्लैनेट्स। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मर्करी के, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सीक्वेंस में याद करने के लिए हम इस चीज़ को कुछ ऐसे याद कर सकते हैं। इस चीज़ को हम याद करने के लिए सीक्वेंस में ऐसा कुछ सेंटेंस बना सकते हैं, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, माई मर्करी, वी फॉर वीनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस एंड एन फॉर नेपच्यून। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मर्करी इज नियरेस्ट टू द सन। इट टेक्स ओनली 88 डेज टू कम्प्लीट वन रोटेशन, वन राउंड अलॉन्ग द ऑर्बिट ऑफ वन राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। मतलब मरकरी जो है अपने ऑर्बिट में घूमने के लिए अर्थ का ओनली 88 डेज लेता है, वन राउंड सन के वन राउंड कम्प्लीट करने के लिए अर्थ का 88 डेज लेता है। वीनस जो है उसको अर्थ का ट्विन्स भी कहा जाता है बिकॉज इन शेप एंड साइज इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू द अर्थ, सो वीनस इज कॉल्ड ट्विन्स ऑफ अर्थ। नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थ। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। इन साइज इट इज फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, मीन्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ये फ्लैट है, पूरा गोल नहीं है। अर्थ जो है वो नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे एक पॉइंट नहीं बनाता है बल्कि वो फ्लैट है, जिसके वजह से अर्थ को हम राउंड में नहीं कह सकते। अर्थ का नाम है जियोइड, मीन्स अर्थ लाइक शेप। अर्थ ही ऐसा प्लानट है जिस पर लाइफ फेवरेबल है, सपोर्टेबल है, क्योंकि अर्थ पे हमारे ज़रूरत के वो सारे गैसेस या वाटर पाए जाते हैं, एयर, गैसेस लाइक ऑक्सीजन। इसी वजह से सोलर सिस्टम का जो ये प्लानट है, अर्थ प्लानट जो है, इसको हम यूनिक प्लानट कहते हैं, यूनिक प्लानट के नाम से जानते हैं। आउटर स्पेस से अगर हम स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो इट्स लुक लाइक्स ए ब्लू इन कलर बिकॉज अर्थ का 2/3 सरफेस जो है वो कवर है वाटर से, 2/3 पोर्शन जो है, जो पार्ट है अर्थ का वो कवर है वाटर से, जिसके वजह से हम स्पेस से अगर अर्थ को देखते हैं तो यह ब्लू कलर का दिखेगा। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट आल्सो। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मून। आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट। इसका डायमीटर जो है, मून का डायमीटर अर्थ का 1/4 है। 1/4 डायमीटर होने के बावजूद भी यह अर्थ से हम देखें तो बड़ा साइज दिखता है। बड़ा साइज इसलिए दिखता है क्योंकि यह अर्थ के काफ़ी नज़दीक है। मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूमता है 27 डेज में, और वो अपने एक्सिस पर घूमने में भी सेम डे लेता है। अर्थ के चारों तरफ घूमने में और अपने एक्सिस पर घूमने में माने वो लेता है 27 डेज, जिसके वजह से हम मून का सिर्फ ओनली वन साइड देख पाते हैं, अनदर साइड नहीं देख पाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही काम करने में सेम ही डे ले रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टेरॉयड्स। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट, देयर आर न्यूमेरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन।
प्लैनेट्स सैटेलाइट्स के अलावा भी हमारे स्पेस में बहुत सारे ऐसे टाइनी बॉडीज हैं जिसमें से कुछ पत्थर के बने हैं, कुछ गैसेस से बने हैं। तो ऐसे इतने सारे टाइनी बॉडीज हैं जिसको हम एस्टेरॉयड कहते हैं। एस्टेरॉयड्स का जो है एक बेल्ट पाया जाता है जो मार्स और जुपिटर के बीच में है। इस फोटो में हम देख सकते हैं एस्टेरॉयड्स जो है वो मार्स और जुपिटर के बीच में, मार्स एंड जुपिटर के बीच में ये जो बेल्ट दिख रहा है हमें, ये है एस्टेरॉयड बेल्ट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेटेरॉयड्स। एक्चुअली मेटेरॉयड्स जो है एस्टेरॉयड का छोटा छोटा टुकड़ा होता है, जैसे कि बड़ा जो पत्थर है या गैस का गोला है उसका जो छोटा टुकड़ा होता है उसको एस्टेरॉयड्स कहते हैं। मेटेरॉयड्स इज अ स्मॉल रॉकी और मेटालिक बॉडी इन आउटर स्पेस। मेटेरॉयड्स आर सिग्निफिकेंटली स्मॉलर देन एस्टेरॉयड्स एंड रेंज इन साइज फ्रॉम स्मॉल ग्रेन्स टू 1 meter वाइड ऑब्जेक्ट्स। समटाइम्स दीज मेटेरॉयड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपन इट। कभी कभी ऐसा होता है कि एस्टेरॉयड्स जो है वो नीचे अर्थ के नज़दीक आने लगता है और अर्थ पे गिरने लगता है। और गिरने के इस प्रोसेस के टाइम में क्या होता है, मेटेरॉयड्स जो है वो फ्रिक्शन करता है एयर के साथ, एयर से फ्रिक्शन करके वो जल जाता है, हीट होता है और हीट होकर वो जल जाता है। बट समटाइम ऐसा होता है कि बिना जले ही वो मेटेरॉयड्स जो है अर्थ पे गिर जाता है, और अर्थ पे जहाँ पे गिरता है वो एक बड़ा सा होलो कर देता है और काफ़ी नुकसान होता है, जिसको हम लाइटनिंग कहते हैं। सो मेटेरॉयड्स इज नथिंग बट स्मॉल रॉकी और मेटालिक बॉडी ऑफ मेटेरॉयड्स, एस्टेरॉयड। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज गैलेक्सी। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। दे आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। एक्चुअली गैलेक्सीज जो है उसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स एंड डस्ट एंड गैसेस भी होते हैं, ये सभी को मिलाकर हम गैलेक्सी कहते हैं। उस गैलेक्सी में भी बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप ऑफ गैलेक्सी होते हैं जिनका अलग अलग नाम होता है। उसी में से एक गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी है जिसका पार्ट हमारा सोलर सिस्टम है। अ हेजी बैंड ऑफ लाइट सीन इन द स्काई नाइट स्काई फॉर्म फ्रॉम अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स दैट कांट बी इंडिविजुअली डिस्टिंग्विश्ड बाई द नेक्ड आई। हम अपने खुले आँखों से या नंगे आँखों से वो गैलेक्सी को नहीं देख सकते। हमारा सोलर सिस्टम जो है वो है मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट। इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, दस इट वॉज नेम्ड आकाशगंगा। एक्चुअली मिल्की वे गैलेक्सी जो है आकाश में कुछ इस तरह से दिखता है जैसे कि पानी का नदी बहता हो, जिसके वजह से इसका नाम दिया गया है। पुराने ज़माने में इसका नाम दिया गया था आकाशगंगा। तो यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर है द अर्थ इन अ सोलर सिस्टम, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास सिक्स ज्योग्राफी, वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे सम क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज है उसको हम देख सकते हैं। हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। वी नो हाउ प्लैनेट आर डिफर फ्रॉम अ स्टार। हाँ, प्लैनेट हैव नो हीट एंड लाइट बट स्टार हैज़ इट्स ओन हीट एंड लाइट। तो पहला तो एक ये आंसर हो सकता है, प्लैनेट डजंट हैव इट्स ओन हीट एंड लाइट। यहाँ पे हैव इट्स ओन हीट एंड लाइट बट स्टार्स हैज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से हम क्या समझते हैं। तो सन सोलर सिस्टम जो है एक सिस्टम है जिसके अंदर सन हेड ऑफ दिस सिस्टम होता है और इसके चारों तरफ प्लैनेट्स, स्टार्स एंड एस्टेरॉयड एंड मेटेरॉयड्स घूमते रहते हैं। ये इसलिए घूमते हैं बिकॉज ऑफ सन्स पुलिंग फोर्स। सन का जो पुलिंग फोर्स है वो अपने तरफ इन सारे हेवनली बॉडीज़ को खींचता है और ये सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो सोलर सिस्टम जो है एक सिस्टम है जिसमें सन, प्लैनेट्स, कुछ स्टार्स हैं, मेटेरॉयड है, एस्टेरॉयड्स है, ये सारे एक ग्रुप में रहते हैं जो सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो सोलर सिस्टम यही है। नेम द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन।
तो हम तो को पता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ये अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस या सीक्वेंसली जो हम बोल सकते हैं सन से, ये सारे प्लैनेट्स हैं जिसको हम लोग लिखे हैं माई वेरी फर्स्ट मदर, जस्ट माई वेरी एफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, ट्रिक है जिससे हम सीक्वेंस में प्लैनेट्स को याद कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट? यूनिक प्लैनेट अर्थ को क्यों कहा जाता है? बिकॉज यहाँ पे लाइफ सर्वाइवल है, यहाँ पे एयर है, ऑक्सीजन है जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत बहुत ही जरूरी होता है, या फिर वाटर है जो हमें चाहिए होता है सर्वाइवल के। तो बिकॉज ऑफ दीज सर्वाइवल थिंग्स अर्थ इज कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज? हम मून का एक ही साइड क्यों देखते हैं? बिकॉज मून अर्थ के चारों तरफ घूमने में जितना दिन लेता है, माने 27 डेज लेता है, तो अर्थ के चारों तरफ घूमने में 27 डेज लेता है और अपने एक्सिस पर भी घूमने में 27 डेज लेता है, जिसके वजह से हम मून का सिर्फ एक ही साइड देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिवर्स? तो व्हाट इज़ यूनिवर्स अगर क्वेश्चन है, हम इसका जवाब इस तरह से दे सकते हैं कि बिलियंस ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, एस्टेरॉयड, मेटेरॉयड्स या क्लाउड्स, डस्ट पार्टिकल्स, सबका जो एक ग्रुप है उसको यूनिवर्स कहते हैं। या फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट इज़ यूनिवर्स? देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज। गैलेक्सी जो है ग्रुप ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स होता है, या प्लैनेट्स या क्लाउड, डस्ट एंड गैसेस होता है। तो यहाँ देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज, ऐसे गैलेक्सी मिलियन में होते हैं जिसको हम यूनिवर्स के नाम से जानते हैं। यूनिवर्स में कितने कितने गैलेक्सीज होते हैं कोई काउंट नहीं है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन इज, अर्थ का ट्विन हम किसको कहते हैं? तो वीनस, क्योंकि ये शेप और साइज में लुक्स लाइक अर्थ। विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ? थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन है सन के? सॉरी, हाँ, सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, तो थर्ड नियरेस्ट हो जाएगा अर्थ। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ, रेक्टेंगुलर पाथ या एलिंगोटेड पाथ? तो इसका आंसर हो जाएगा एलोंगेटेड पाथ। द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द, एक्चुअली ये वाला पॉइंट हम लोग पढ़े नहीं है ठीक से। पोल स्टार, पोल स्टार जो है वो सप्तऋषि में, एक सेकेंड, इस फोटो से हम लोग देख सकते हैं ये जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है ये है सप्तऋषि, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 7 स्टार का ग्रुप है, इसको सप्तऋषि कहते हैं। और ये वाला जो स्टार है ये है पोल स्टार, जिसके यहाँ पे द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन को ये इंडिकेट करता है। ये जो पोल स्टार है ये एक्चुअली नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, जिसके वजह से पुराने ज़माने में डायरेक्शन का पता लगाया जाता था। ये स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, जिसकी वजह से पता चलता था कि ईस्ट, वेस्ट, साउथ किधर है और नॉर्थ किधर है, क्योंकि ये स्टार जो है नॉर्थ में ही हमेशा दिखता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टेरॉयड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, तो हम पढ़े मार्स एंड जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड्स का बेल्ट पाया जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स, अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड अ, तो अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। कॉन्स्टिलेशंस, अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सी। डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेसियल बॉडीज टू आवर अर्थ। सो मून इज द क्लोजेस्ट सेलेसियल बॉडी टू आवर अर्थ। डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू सन, तो अर्थ इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ सन। प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन डैश एंड डैश, हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो हमने कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।